तो सर्बल वास्कुलर डिजीज को या स्कीमिया एंड इन्फॉक्शन की कंडीशनस को हम स्टडी कर रहे थे पहले भी हमने देखा कि देर वॉज अ ग्लोबल सर्बल स्कीमिया एंड देर वॉज अ फोकल सरेबल स्कीमिया तो उसको जो रिवाइज कर लेते हैं पैथोमा तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द न्यूरोन्स एंड इफ द ब्लड सप्लाई इज इम्पेयर फॉर लाइक थ्री टू फाइव मिनट सीवन इट विल रिजल्ट इन नेक्रोसिस ऑफ द न्यूरोनल टिश्यू एंड उसके नतीजे में वही होगा दैट देर विल भी परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज तो ग्लोबल सर्वेबल स्कीम में हमें कॉजे देखेंगे मोस्टली तो ये हाईपर की वजह से होते हैं अगर सडन हाइपर डेवलप हो होगी फॉर एग्जाम्पल कार्डोजनिक शॉक में या किसी ट्रामा की कंडीशन में डाउल रिजल्ट इन ग्लोबल सर्वेबल स्कीम क्योंकि पूरे ब्रेन की ब्लड सप्लाई इम्पेयर है इसके अलावा क्रोनिक हाइपोक्सिया लैकनिमेंस हो तो उसके केस में भी हो सकता है ऐसा या yeah, uh, हमें इंसुलिनोमा के कैसे मिलता है कि परमानेंटली ही और रिपीटेडली ही ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज रह रहा है माइल्ड ग्लो अगर माइल्ड ग्लोबल स्कीमिया होगा तो उसकी रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है जस्ट एक पोस्ट स्कीमिक कन्फ्यूजनल स्टेट होती है बट दैट रिकवर्स विदाउट एनी परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज लेकिन अगर यही स्कीमिया uh, की स्टेट कॉन्टिन्यू uh, रहती है फॉर अ लॉन्गर टाइम और ये थोड़ी स्वेयर होती है स्वेयर इंसल्ट होती है दैट रिजल्ट इन डिफ्यूज नेक्रोसिस एंड सर्वाइवल अगर होगा वे तो यह तो ब्रेन इंजरी ही हो जाएगी और अगर ब्रेन कोई सस्टेन रहता भी है पोर्शन तो वो वेजिटेटिव स्टेट में पेशेंट चला जाएगा दैट इज रिफ्लैक्सिस तो नॉर्मल uh, है उसके ब्रेन तो नॉर्मल है ही इज एबल टू ब्रीद बट ऑन हिज बट ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ हिज एंड ही इज़ नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड ठीक है अच्छा और अगर मॉडरेट ग्लोबल स्कीम में होगा तो, तो दैट मोस्टली रिजल्ट्स इन वाटर शेड एरियाज मॉडरेट में हम मोस्टली वाटर शेड एर की इन्वॉल्वमेंट देखते हैं एंड वी नो एरियाज एरियाज आर फॉर्मिंग काइंड ऑफ बाउंड्री बिटवीन द इंटीरियर एंड मिडल सर्बल आर्ट्री और यहाँ पे मोस्टली जो एरियाज अफेक्ट होते हैं इसमें हम जो एरियाज यू कैन से ज़्यादा ससेप्टेबल हैं टू गेटिंग अफेक्ट वो थेलमस हैं बेसल एंग्लिया है और कुछ न्यूर का पोर्शन है और जो न्यूरॉन्स सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल हैं टू गेट डैमेज्ड बाय सच वाटरशेड वाटरशेड दोज आर द पेामिडल सेल्स ऑफ द काटेक्स लेयर थ्री फाइव एंड सिक्स पेरामिडल सेल्स मोस्टली लेयर थ्री फाइव एंड सिक्स में होते हैं ना तो उसमें लेमिनदार नेक्रोसिस होगा इसके अलावा जो पेरामिडल सेल्स हैं हिपो कैंपस के दैट दोबल एंड दोन अल्ट्रेसन और एबनॉमेलिटी इन द लॉन्ग टर्म मेमरी फॉर्मेशन ठीक है तो पेरामेंडल सेल्स ऑफ द न्यूकॉर्टिक्स पेरामेंडल सेल्स ऑफ द हिपोकैम्पस एंड द प्रकंजी फाइबर्स ऑफ द सरेबेलम अगर सरबेलम का डैमेज होगा वहाँ के प्रकंजी सेल्स से डैमेज होगा तो जो कॉर्डिनेशन होती है बिटवी सेंसिटिव प्रसप्पशन एंड मोटर कंट्रोल वो इम्पेयर हो जाएगी ठीक है अच्छा ये तो हमने बात कर ली ग्लोबल सर्विस स्कीम है कि हम स्कीमिक स्ट्रोक की बात करते हैं अगर तो स्कीमिक स्ट्रोक के नतीजे में जो एक फोकल डेफिसिट के सिम्टम्स हैं फॉर एग्जांपल हेमीपरेसिस है हेमीप्लेजिया है, 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 है या कहते हैं कॉडिफ्लेजिया है कोई भी सिम्टम है अगर वो ट्वेंटी फोर आवर्स से ज़्यादा प्रजस्ट करता है दैट विल भी स्कीमिक स्ट्रोक और अगर कोई ट्रांसजेंट से सिम्टम है लाइक like, ट्रांसजेंटली उसको ब्लाइंडनेस हो होगी ट्रांसजेंटली उसको हेमीपरेसिस होगी लेकिन ट्वेंटी आवर्स के बाद वो ऑन इट्स ओन रिकवर कर गया पेशेंट दैट इज़ ट्रांजेंट स्कीमिंग अटैक और टी आई ए तो आपने ना ड्यूरेशन की बेस में दोनों का डिफ्रेंस याद रखना है कि हम इसको उसको स्कीमिंग स्ट्रोक का बोलेंगे और डी आई ए का बोलेंगे ये बात होगी हम ये देखते हैं कि स्ट्रोक भी तीन चार तरह के हो सकते हैं या तो इट कैन बी थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक के ब्रेन के अंदर ही थ्रोम्बस डेवलप हुआ है ड्यू टू एनी बैकग्राउंड ऑफ एथरोसथोसकलोसिस ऑलरेडी था और वहाँ पे प्लैक ऑलरेडी था और प्लैक रपचर हुआ थ्रोम्बस बना और इट कैन रिजल्ट इन दॉर्मेशन ऑफ एन इन्फॉक्ट और जो थ्रोमोसिस की वजह से इनफाक्ट बनेगा देट विल भी पेल इन ऑन द पेरेफ्री ऑफ कॉटिक्स पेल इन ऑन द पेरेफ्री ऑफ कॉटक्स मोटली इस थ्रोबोटिक नेचर ठीक है और मोस्टली कहाँ से डिसलॉज हो सकता है ये बारफर्केशन ऑफ इंटरनल करोटेड आर्ट्री और मिडिल सर्वल आर्ट्री

दैन वी हैव द लेक्यूनर इनफॉक्ट मोस्टली एक तो स्मॉल्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं दूसरा ये कि इसमें इन अगर ड्यू टू हाईपर टेंशन दैट रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ ऑबस्ट्रक्टेडल्ट लेक्यूनर स्टोक और अगर ये इंटरनल कैप्सूल के, के लेवल पे लेकिन ना स्ट्रॉक होगा तो इसके नतीजे में क्या होगा प्योर मोटर लॉस होगा या प्योर मोटर स्ट्रॉक कहते हैं इसको और अगर थैलेमिक्स के लेवल पे ये हो रहा है लेकिन ना स्ट्रोक तो इसको हम कहेंगे तो प्योर सेंसर स्ट्रो तो थैलेमिक्स के लेवल पे प्योर सेंसरी स्ट्रोक हो रहा है और इंटरनल कैप्सूल के लेवल पे प्योर मोटर स्ट्रोक हो रहा है ये अपने डिफ्रेंस याद रखना है देन हम कहते हैं कि अगर डेफिनेटली अगर ब्रेन इंजरी हुई है वहाँ पर डैमेज हुआ है तो उसका को कोई नतीजतन कोई रिस्पॉन्स में तो आना है ना तो वहाँ पर नेक्रोसिस शुरू हो जाते हैं ना नेक्रोसिस इन द ब्रेन इज मोस्टली लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस ठीक है लिक्विफैक्ट नेक्रोसिस होता है और इसका एक कोर्स कैसे चलता है इससे इसके मोरफोलॉजिकल चेंजेस uh, का तो फर्स्ट सिक्स आवर्स में तो कोई चेंज डिवेलप नहीं होता ब्रेन में लेकिन विद इन फर्स्ट ट्वेल्व आवर्स क्या होता है कि वहाँ पर यू सीनोफिलिया हो जाता है और हमें रेड न्यूरोन्स मिलते हैं इसको uh, कहते हैं रेड न्यूरो फर्स्ट फर्स्ट ट्वेल्व आवर्स में ठीक है आफ्टर एन फंक्शन तो रेड न्यूरोस क्यों कहते हैं बिकॉज वहाँ पर जो जो होते अंदर ये पीए रेसिडोफिलेक हो रही क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन uh, uh, हो रही है uh, जो वहाँ पे ऑर्गेनल्स एंड अंदर ब्रेकिंग डाउन देर रिलीजिंग देर प्रोटीन्स और वहाँ पे ये सेन्फिलिया डेवलप हो रहा है तो सेन्फिलिया माइक्रो एक्विलेशन पिक्नोसिस न्यूक्लियर पिक्नोसिस एंड दी करोरेक्सिस ये फर्स्ट ट्वेल्व आवर्स के सिम्टम्स है दैन फर्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में क्या होता है कि वहाँ पर न्यूट्रोफिस की इन्फिल्ट्रेशन जाती है वन टू थ्री डेज में वहाँ माइक्रोफिजिस की और माइक्रो माइक्रो सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है एंड रिलेटर ग्लायोसिस ग्लायोसिस अ फाइब्रस फाइब्रस प्रोलिफ्रेशन सॉरी फाइब्रस चेंज एसोसिएटेड विद ग्लायल सेल प्रोलीफ्रेशन ठीक है दैट इज गयोसिस टू वन टू थ्री टू थ्री वीक्स में यह भी डिवेप हो जाएगा एंड रिजल्टेंटली जब सच क्लियर आउट होता है तो देर विल बी अ वर्ल्ड ऑफ कैविटी जिसके सराउंडिंग में विल बी फाइंडिंग ग्लायल तो ग्लायोसिस और दरमिया में एक फूल फिलस्टिक स्पेस बन जाती है ड्यू टू लिक्विफेक्टिव नक्रोसिस तो दिस इज ऑल अबाउट द स्कीमियान एंड फाक्शन ऑफ द ब्रेन